वालेकुम, वेलकम टू मनालका किचन। लेकर आए हैं मनालका किचन से आपके लिए कलेजी की ज़बरदस्त रेसिपी। ये मटन की कलेजी की रेसिपी है, तो रहिए मेरे साथ साथ मनालका किचन में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ऑयल डालिए हाफ अ कप, दो प्याज है मेरे पास कट करके रखे हैं, इस तरह से डाल दीजिए। इन्हें हल्का सा गोल्डन कीजिए। हम कलेजी की रेसिपी अपने घर के स्टाइल से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मटन कलेजी है ये, लहसुन और अदरक हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून भर के। अब हम इसे फ्राई करते हैं 5 मिनट। मेरे पास ना बकरे की कलेजी है, ठीक है, ये मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 पाव है। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये फिर सख्त हो जाएगी। बस 1-2 मिनट इसे हम भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। पिंच सॉल्ट, 2 पिंच, 2 पिंच रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इसे भूनते हैं। मेरे पास खराब फ्रेश हल्दी थी, टर्मरिक, इसे मैंने इस तरह से क्रश करके रख ली है। अगर आपके पास ड्राई है तो आप ड्राई डालिए। 1 टेबलस्पून मैंने ये डाला, आप 1/2 टीस्पून ड्राई पाउडर डालिए। अच्छा, हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे भून लिए, इसे ज़्यादा नहीं भूनना। अगर ज़्यादा भूनेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी। अब मेरे पास कट करके रखे हुए 5 टमाटर हैं, स्लाइस ही मैंने शामिल कर दिए। 5 टमाटो शामिल हो गए। आप 2-3 मिनट इसे भूनते हैं। और सबसे पहले तो हम इसे लीड लगा के रख लिए, उससे ये है कि ये पानी छोड़ेंगे तो ये खुद ही इसकी कलेजी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इसे 5 मिनट के लिए हमने इसका ढक्कन दे दिया, तो 5 मिनट के बाद इसे हम तेज़ आंच पे भून के और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये इसमें ऑयल निकल के बाहर आ गया। 20 मिनट तक इसे हमने पकाया दम पे, लिड लगा के ढक्कन दे के। मेरे पास गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर रहे हैं, और हम इसको डिश में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अब ये तैयार है, इसे डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तकरीबन टोटल इसे 20 मिनट लगे हैं पकते हुए इस कलेजी को। ज़्यादा पकाएंगे तो हार्ड हो जाएगी। पानी मत डालिएगा, पानी डालने से ये हमेशा ही ख़राब होती है। पानी नहीं डालिएगा इसमें, कभी भी पानी नहीं डालते। रेसिपी मेरी फाइनल हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा हरी मिर्च के साथ डेकोर करते हैं। चैनल पर आइए, चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।